हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। सो गाइस, हाइट एक मेजर फैक्टर है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में। तो मैं बताऊंगा आपको अपनी हाइट कैसे बढ़ानी है, आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने हैं जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो। लेट्स गो। सो गाइस, जब बात आती है हाइट की, तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है जेनेटिक्स का। 90% जो हाइट होती है वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। सो अगर आपके फादर या मदर किसी की भी हाइट कम है, तो ये चांसेस है कि आपकी हाइट भी कम हो। बट वहीं अगर आपके फादर या मदर की हाइट बड़ी है, अगर आपकी हाइट छोटी है, तो आपके चांसेस हैं आपकी हाइट बढ़ने के। तो इस बात को लेके पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपकी हाइट बड़ी होगी सकती नहीं सकती, आपके मदर फादर की हाइट कितनी है। तो जेनेटिक्स के बाद आती है बात पॉस्चर की। आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं, तो आप कैसा पॉस्चर रखते हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो चलते वक्त या बैठते वक्त अपने स्पाइनल कॉर्ड को, जो ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है, इनको बेंड करके चलते हैं, ये बोलते थोड़ा झुक के चलते हैं, जिनकी वजह से उनकी हाइट में डिक्रीज आती है। जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड बेंड रहेगी, तो उसके बहुत चांसेस है कि आपकी हाइट कम हो, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो गाइस, इसीलिए आपने सुना होगा कई बार कि अपने बिल्कुल स्ट्रेट बैक करके चलना चाहिए हमको। एक गुड पॉस्चर करके हमको अपनी बैक स्ट्रेट करनी है, अपनी चेस्ट हल्के से आगे करनी है एंड सीधा देख के चलना है। सो गाइस, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपकी हाइट डेफिनेटली लंबी लगेगी, एंड आपके चांसेस है कि आपकी जो बोन है वो अच्छी रहे और बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट रहे। सो ये हो गई आपकी पहली बात कि आपको कैसे चलना है। अब बात करते हैं कैसे बैठना है। तो काफ़ी लोग चेयर में बैठते हैं, बिल्कुल वो भी ऐसे ही बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठ रहते हैं। क्यों? जो आपकी चेयर है उसके पीछे एक सपोर्ट होता है, बैक सपोर्ट। वो इसीलिए बना होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें और आपकी पूरी बैक में दर्द ना हो, तो उसका यूज़ करो, ना कि ऐसे बैठो बिल्कुल झुक के आगे और काम करो, बैठे कंप्यूटर जो भी। तो आपको सही से बैठना है, प्रॉपर तरीके से बैठना है। सो गाइस, अब बात करते हैं डाइट की। डाइट भी बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी हाइट को बढ़ाने में। जो 90% आपकी जेनेटिक्स में डिपेंड करता है, वहीं 10% आपकी ये एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीज़ों में डिपेंड करती है आपकी हाइट। तो अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप अपने डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब ऐड कर रहे हैं, तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। आप प्रोटीन में फिश खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। वहीं अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। गाइस, आपको प्रोटीन के साथ साथ आपको मिनरल्स चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको जरूर चाहिए अगर आपको अपनी हाइट को इंक्रीज करना है। तो ये सारी डाइट आप फॉलो करो, एक अच्छी रूटीन रखो अपनी डाइट में, तो ये भी एक अच्छा रोल प्ले करेगी। एंड आप अपने डाइट में ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर हाइट। एंड गाइस, आप फ्रूट्स में बनाना खा सकते हो, बनाना भी काफ़ी अच्छा है आपकी हेल्थ और डाइट और हाइट के लिए, सारी चीज़ों के लिए बनाना एक अच्छा फ्रूट है। एंड गाइस, उसी के साथ साथ आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल खा सकते हो, जिससे कि आपका HGH लेवल बढ़ता है। HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए एक हार्मोन है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। तो ये हार्मोन ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाने से भी बढ़ता है, तो आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करो। तो नेक्स्ट इज इनफ स्लीप। तो गाइस, जब आप रात को सोते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी में HGH लेवल इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी हाइट बढ़ती है। ज़्यादातर हाइट रात को ही बढ़ती है, जब आप रेस्ट लेते हो आपकी बॉडी, जब आप सारी एक्सरसाइज, जब आप अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लेते हो, देन उसके बाद आपका HGH लेवल बढ़ना इंक्रीज होता है। वहीं अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा एंड आपकी बॉडी में HGH लेवल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर नींद लेनी चाहिए आपको, प्रॉपर डाइट, एंड आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है जो आपकी हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। सो अब बात करते हैं हाइट इंक्रीज एक्सरसाइज, कौन कौन सी वो एक्सरसाइज है जिनकी हेल्प से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। यह नंबर वन इज पुलअप। गाइस, पुलअप भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप पुलअप के लिए ऊपर लटकते हो तो जो ग्रेविटी की फोर्स आती है वो आपकी बॉडी को बिल्कुल नीचे पुश करती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट, आपकी बॉडी में टेंशन क्रिएट होता है एंड आपकी हाइट बढ़ती है। सो गाइस, स्विमिंग आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, बट उसके साथ साथ ये आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप स्विमिंग करते हो आपकी पूरी बॉडी हिलती है, पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, एंड सबसे ज़्यादा आपकी लेग्स, तो आपकी लेग ज़्यादा मूव होती है तो उससे आपकी हाइट इंक्रीज होने में चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्विमिंग आप कर सकते हो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट इज हैंगिंग एक्सरसाइज। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कोई जगह ढूंढनी है, वहाँ लटकना है, सिंपल ऐसे पकड़ के जगह लटकनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये भी बहुत ही बेनिफिट एक्सरसाइज है, इससे भी आपकी हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक टेंशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी
डाउनवर्ड पोजिशन में जाएगी और ग्रेविटी फोर्स लगेगी जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो हैंगिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो अगर आपको अपनी हाइट में इंक्रीज चाहिए तो। गाइस अब बात करते हैं योगा की, आप कौन सा योगा कर सकते हो जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट इज ताड़ासन। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपने हाथ को ऐसे लेना है, धीरे धीरे ऊपर ऐसे करना है एंड उसके बाद आपको अपने टो जो आपके पाँव को भी धीरे धीरे ऊपर उठाना है एंड थोड़ा थोड़ा आगे चलना है ऐसे। तो आपको सो गाइस ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो पाँव में प्रेशर पॉइंट होता है वो उनमें प्रेशर आता है एंड उसके बाद आपके जो ब्लड फ्लो सर्कुलेट होता है जिसकी हेल्प से आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है, जो आपकी हाइट की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। वो धीरे 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 अभी रोज एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी की हाइट बढ़ेगी। सो गाइस अगर आप ये एक्सरसाइज डेली डेली करोगे तो इससे आपके चांसेस है कि आपकी हाइट बढ़ जाए। सो गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन जिसकी हेल्प से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप ये सारी टिप्स, ये सारी डाइट, ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करोगे डेली डेली तो आपकी हाइट बढ़ने में चांसेस बहुत है। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ हेल्प लगी आपको इस वीडियो से तो इस वीडियो को एक लाइक देना। और गाइस अगर आप इस चैनल में नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन आपको दबा देना एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना जिससे कि आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक सेक्सी।